3। 15 स्पीड गियर बॉक्स में है गाइस, इसका हम सारा का सारा रिव्यू देंगे और ट्रैक्टर की चाल भी देख सकते हैं। गाइस ये साइड शिफ्ट गियर बॉक्स में है, इसका हम सारा का सारा रिव्यू देंगे जो है, देख सकते हैं चारों साइड से ट्रैक्टर को। तो हेलो किसान भाइयों, ट्रैक्टर एग्रीकल्चर ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ट्रैक्टर है स्वराज 855 एफ ही है, साइड गियर के साथ ट्रैक्टर है, इसका हम सारा का सारा रिव्यू देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिएगा इस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम किए। तो फ्रेंड्स, ट्रैक्टर का लुक सामने से देख सकते हैं, बड़े से हेडलैम्प दिए गए हैं, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है कलर में। और गाइस, ट्रैक्टर की जो लुक है बहुत ही अट्रैक्टिव, और ट्रैक्टर को पंजाब का शेर भी बोला जाता है। और इस ट्रैक्टर के सारे फीचर्स बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, बड़ी सी हेडलैम्प मिल जाएगी, हेलोजन टाइप हेडलैम्प दिए गए हैं, और स्वराज 855 की बैजिंग हमको मिल जाएगी सामने। और नीचे की साइड एक जाली मिल जाएगी जिससे ट्रैक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग हवा पहुँच सके। और उसके नीचे हम देखेंगे तो गाइस प्लेट नंबर मिल जाएगी हमको, को हैवी ड्यूटी हंडी मिल जाती है जिसमें बेट टेट लगाने का इसमें एडजस्टमेंट दिए गए हैं। उसके नीचे की बात करें तो बहुत ही हैवी ड्यूटी एक्सल का इस्तेमाल किया गया है, और अच्छी खासी हमको व्हील बेस मिल जाती है इस ट्रैक्टर में। एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है, हैवी ड्यूटी तरह से बनाया गया है। और इसमें साइड की हम बात करें तो 7/16 के हमको बड़े टायर मिल जाते हैं, बड़ी ग्रिप वाले। वहीं पर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है, देख हैवी ड्यूटी और कम मेंटेनेंस वाले से पावर स्टीयरिंग लगाया गया है। हैवी ड्यूटी हंडी मिल जाते हैं, किसी प्रकार का बम्पर अटैचमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं साइड में जाली दी गई है। वहीं की हम साइड व्यू की बात करें तो 15 स्पीड गेयरबॉक्स की बैजिंग दी गई है। स्वराज 855 एफ ही 5-स्टार ट्रैक्टर है गाइस, देख सकते हैं ट्रैक्टर का जो लुक है, रिवर्स पीटीओ की बैजिंग दी गई है। इस ट्रैक्टर बहुत शानदार है लुक में। और इसकी हम अदरवाइज फीचर्स की बात करें किसान भाइयों, तो देख ऑयल डालने का दिया गया है, और पावर स्टीयरिंग का अलग से इसमें ऑयल लगाया गया है जिससे हाइड्रोलिक से ये उपयोग नहीं करता है ऑयल, सेपरेट ऑयल पावर स्टीयरिंग में चलता है। यहाँ से 3 सिलेंडर इंजन, 3300 cc का बड़ा इंजन लगाया गया है स्वराज 855 ट्रैक्टर में। बड़ा इंजन है, 3 सिलेंडर और बॉस कंपनी का पंप लगाया गया है, और 2 हमको डीजल फिल्टर मिल जाएंगे, और वाटर सेपरेटर का ऑप्शन दिया गया है। और बड़ी इम्प्लीमेंट चलाने के लिए, लोडर डोजर जैसे बड़ी उपकरण के चलाने के लिए हम अटैचमेंट दी गई है। 855 5-स्टार की बैजिंग, ट्रैक्टर बनाने का जो रिकॉर्ड है 1974 से जो स्वराज कंपनी है किसान की सेवा में लगी हुई है। यही हमको ऑयल बार टाइप बड़ा एयर क्लीनर मिल जाएगा, ऑयल गेज मिल जाएगा देखने के लिए। ट्रैक्टर का जो व्हील बेस है देख सकते हैं बहुत ही ऊँचा दिया गया है किसान की सहायता को देखते हुए। पर हमको ऑयल निकालने का पॉइंट मिल जाएगा, ट्रैक्टर में जो ऊंचाई है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई दी गई है। इसकी SFC 265 है, और सारे के सारे आपकी जानकारी के लिए देख सकते हैं। ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए फोटो स्टॉप दिया गया है, 16 और 28 के बड़े टायर दिए गए हैं इस ट्रैक्टर में। 213 Nm का टॉर्क ये ट्रैक्टर जनरेट करता है, और 25% का बैकअप टॉर्क ये जनरेट कर देता है। गाइस, इसमें 55 से 60 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है, यहाँ से डीजल ऑफ ऑन कर सकते हैं, ऑप्शनल में दिया गया है, सारा का सारा दिया गया है। ऊँचा सा साइलेंसर दिया गया है, वहीं पर एक आईना दिया गया है जो बैक वाहन देखने के लिए। 5-स्टार स्वराज 855 एफ की बैजिंग दी गई है, और 15 स्पीड की बैजिंग दी गई है, रिवर्स पीटी का ऑप्शन दिया गया है, और डबल पंप दिए गए हैं, एक पावर स्टीयरिंग के लिए, एक हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है। यहीं पर एक ऑयल फिल्टर मिल जाएगा, हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है। यहीं पर इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाएगा, सारे के सारे दिए गए हैं। यहीं पर हमको 12 वोल्ट का अल्टरनेटर मिल जाएगा बैटरी चार्ज करने के लिए। गैस इंजन बहुत ही दमदार दिया गया है इस ट्रैक्टर में, और गैस से हमारी भारतीय कंपनी ट्रैक्टर है जो कि भारतीय होने का विश्वास भी दिलाती है। 2.5 किलो वाट की इंजन स्टार्टर मोटर मिल जाती है इस ट्रैक्टर में। बड़ा सा बैटरी बॉक्स दिया गया है साइड में, किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। गैस ट्रैक्टर की इस साइड से भी ऊँचाई देख सकते हैं, बैटरी बॉक्स में स्वराज की बैजिंग दी गई है। इसमें हमको ऑयल में ब्रेक मिल जाते हैं गाइस, पैर रेसिंग का ऑप्शन दिया गया है। इसमें हमको 16 और 28 के बड़े टायर प्रोवाइड कराती है कंपनी। साइड शिफ्ट गियर बॉक्स में ट्रैक्टर है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बड़े से फेंडर मिल जाएंगे हैवी ड्यूटी टाइप में, और हेडलैम्प दिए गए हैं 2 कटआउट में। और इसकी मजबूती देख सकते हैं गाइस, फेंडर की बहुत ही ज़्यादा मजबूती दी गई है, बहुत ही ज़्यादा इसमें सपोर्ट का उपयोग किया गया है। यहीं पर सपोर्ट दी गए हैं,
पकड़ने के लिए। ट्रैक्टर के हम पिछले हिस्से की बात करें, ट्रैक्टर की लुक को दिखाते हुए, गज स्वराज 855 ट्रैक्टर है, वो अपनी पावर और अच्छे परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है, कम डीजल खपत और अपने ज़्यादा काम लिकाने के काम से। बैक साइड देख सकते हैं ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर का बैक साइड देख सकते हैं हैवी ड्यूटी लिंकेज दी गई हैं। ट्रैक्टर बहुत ही पावरफुल है और मजबूत, हमको डाबर पट्टी मिल जाएगी, लिंकेज बहुत ही मजबूत दी गई हैं। लिंकेज में नीचे पट्टी का इस्तेमाल किया है जो कि दुगनी मजबूत बढ़ाने का काम करता है। नए प्रकार के हमको एडजस्टेबल लिंकेज मिल जाएंगी जो कि एडजस्ट करने में बड़ी ही आसानी होगी। यहाँ आप इंप्लीमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। बड़ा सा हैवी ड्यूटी इसमें हिच दिया गया है जिससे शुगर कैन के रिलेटिव आप इसमें बड़े काम की खिंचाई की आसानी से कर सकते हो। वो थ्री सेंसिंग सॉफ्ट मिट्टी कड़क मिट्टी के हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। यहाँ LED लाइट के जैसे कनेक्टिविटी दी गई है, आप यहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं। और हमको डबल कपलर मिल जाएंगे, टिपिंग ट्रॉली पल्टी प्लाउ जैसे उपकरण चलाने के लिए ये ट्रैक्टर बनाया गया है। 55 HP का ट्रैक्टर है, इसमें हमको 43 HP की PTO पावर मिल जाएगी। बड़े उपकरण PTO से रिलेटिव भी ऑपरेट कर सकते हैं इस ट्रैक्टर में। गैस हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर बनाया गया है, दो ही फेंडरों के बीच में सपोर्ट दी गई है, वहीं पर लाइट रिफ्लेक्टर और टूल बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, वहीं 2 लीटर बाटल होल्डर का ऑप्शन दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, स्वराज ने पहली बार यूज की इम्प्लीमेंट है, उसको एडजस्ट कर सकता है, ट्रैक्टर से जोड़ सकता है, यहीं से आप हाइड्रोलिक उठा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। कंपनी फिटेड हमको टापरीन मिल जाएगी। कि हम एक्सल की बात करें तो बुलगेर रिडक्शन तकनीक वाला इसमें एक्सल का उपयोग किया गया है जो हैवी ड्यूटी काम को अच्छे तरीके से करता है। कि पीछे से ऊंचाई देख सकते हैं जो दी गई है, 55 HP का ट्रैक्टर है, इससे हैवी ड्यूटी काम रिलेटिव आप आसानी से कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में जो फीचर्स दिए गए हैं, आप चढ़ के बात करते हैं क्या कैसे कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है फीचर्स। आसानी से चढ़ने के लिए फुट स्टॉप दिया गया है, डबल क्लिच में ट्रैक्टर आता है इंडिपेंडेंट क्लिच लीवर के साथ। ये देख सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लिच लीवर दिया गया है, बड़ी आसानी से ऑपरेट हो जाता है। साइड शिफ्ट गियर बॉक्स में ट्रैक्टर है, 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर बॉक्स के साथ में ये ट्रैक्टर है। 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर हमको मिल जाता है। और गाइस इसमें डीलक्स टाइप सीट दी गई है, आप अपने वजन के अनुसार और आगे पीछे एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो कि कंपनी से हमको प्रोवाइड कराई जाती है। के कंफर्ट की बात करें तो ट्रैक्टर में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील होता है ट्रैक्टर पर बैठने पर। ऑयल मिस डिस्क ब्रेक हमको मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर में। और गाइस इसके हम राइट साइड की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमको पोजीशन और ड्राफ्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सॉकेट दिया गया है, 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर मिल जाएगा और यहाँ पर पानी जाने का ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, किसान की ज़रूरत के हिसाब से देखते हुए दिया गया है। फेंडर बहुत ही मजबूत दिए गए हैं, गियर का ऑप्शन, असली साइड शिफ्ट गियर बॉक्स में कौन से इस टाइप का गियर बॉक्स मिल जाता है, बड़ी ही आसानी से ऑपरेट होने वाला है। ई PTO दिया 540N इंडिपेंडेंट क्लिच लीवर, और ट्रैक्टर में बहुत ही अच्छी फीचर के साथ कंपनी ये ट्रैक्टर हमको प्रोवाइड कराती है। वहीं पर फ्यूज़ का ऑप्शन दिया गया है और अपर डिफर का ऑप्शन दिए गए हैं, सारे के सारे कंट्रोल दिए गए हैं। गाइस इसके हैंडल की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट हैंडल दिया गया है इसका, और न्यू पैटर्न टाइप इसमें स्वराज की हॉर्न मिल जाती है, देख सकते हैं। और इसके हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, क्लस्टर HD टाइप में दिया गया है, 2200 RPM के साथ ट्रैक्टर आता है। टेम्परेचर, फ्यूल और सारे के सारे दिए गए हैं। ट्रैक्टर की लेंथ और लंबाई बहुत ही ज़्यादा दी गई है, यहीं पर हमको हैंड रेसिंग मिल जाएगी। कंपनी की लॉक सिस्टम के साथ हमको डीजल टैंक मिल जाता है और ब्रेक लॉक का ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शन के साथ कंपनी हमको ये ट्रैक्टर प्रोवाइड कराती है। हाइड्रोलिक का लॉक का ऑप्शन दिया गया है, यह असली साइड शिफ्ट गियर बॉक्स में ट्रैक्टर है। कैसे अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो एजेंसी में आके आप संपर्क कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, ट्रैक्टर आप चला के देख सकते हैं। देख सकते हैं स्वराज का जो पावर है, एक अलग ही अंदाज में चलता है गाइस स्वराज ट्रैक्टर अपना जो है, भारतीय कंपनी का विश्वास और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ कंपनी हमको इसको प्रोवाइड कराती है। बहुत ही अच्छा टर्निंग रेडियस है, देख सकते हैं। गाइस वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं, जय जवान जय किसान।